अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। घरों में अक्सर हम लोग जब फ्रिज को खोलने के लिए हाथ लगाते हैं तो हमें अक्सर फ्रिज से करंट पड़ता है। मुझे कमेंट्स में भी बहुत से लोगों ने पूछा है कि हमारे फ्रिज को हाथ लगाने से हमें करंट लगता है, जिसे हम दूसरे लफ्जों में अर्थ भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले पहल जब आप घर की वायरिंग करवाया करते थे तो अर्थ का लगाना जरूरी समझा जाता था, जिसकी वजह से हमारे होम अप्लायंसेस में करंट लगने का चांस बहुत कम होता था। वो अर्थ लगाने का तरीका ये होता था कि हमें कुछ महदूद गहराई तक बोर करवाना पड़ता था, जिस तरह हम पानी की मोटर का बोर करवाते हैं। उसके अंदर पीतल की एक प्लेट पीतल की तार के साथ ही जॉइंट करके उस गहराई पे ले जाई जाती थी और उसके बाद हमारे घर की अर्थ की वायर के साथ उसे अटैच कर दिया जाता था। तो आजकल अर्थ लगाना कुछ ज्यादा जरूरी नहीं समझा जाता, जिसकी वजह से हमें इस तरह के मामलात देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहां भी इस वक्त ये देखें, यहां भी फ्रिज में अर्थ आ रहा है। तो फ्रेंड्स, उसमें दो तीन चीज़ों का अमल दखल होता है। सबसे पहले हम इसके स्विच बोर्ड की तरफ आते हैं कि अगर आपका स्विच बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने फ्रिज के लिए करंट लिया हुआ है, या डीप फ्रीजर के लिए, या किसी वॉशिंग मशीन या किसी भी और होम अप्लायंसेस के लिए आपने जिस बोर्ड से करंट लिया हुआ है, उस बोर्ड में नमी नहीं होनी चाहिए। उस बोर्ड को आपने खोल के देख लेना है कि इसके अंदर कोई वायर दीवार के साथ तो टच नहीं हो रही। और साथ में आपने ये चीज़ अच्छी तरह से चेक कर लेनी है कि कंप्रेसर के ऊपर पानी वाला ट्रे लीक तो नहीं करता। अगर वो लीक करता है तो उसका पानी यहाँ से निकलकर कंप्रेसर की इस डिब्बी वाली जगह पे तो नहीं आ रहा, जिस जगह पे कंप्रेसर की रिले और ओवरलोड लगा होता है। तो उसके बाद हमने फ्रिज के कंप्रेसर की वायरिंग की तरफ आ जाना है। इस साइड पे आपने देखना, यहाँ पे एक डिब्बी लगी होती है, उस डिब्बी के अंदर बिजली की वायर्स गई होती हैं, जिससे कंप्रेसर को करंट जा रहा होता है। तो आपने देख लेना है कि इस जगह से कोई वायर बॉडी के साथ टच तो नहीं हो रही। मैं आपको मीटर से भी चेक करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, हमने मीटर की एडजस्टमेंट कंटिन्यूटी पे कर लेनी है और इसको टच करके चेक कर लेना है कि मीटर काम कर रहा है या नहीं। अगर आपकी पूरी बॉडी पे पेंट लगा हुआ है तो फिर आपने इसके किसी इस तरह के पेच के साथ टच कर लेना है, इस तरह। लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा जंग लगा हुआ है, हम एक पॉइंट यहाँ पे करेंगे और मीटर को चेक करते हैं, और दूसरा पॉइंट हम कंप्रेसर के साथ लगा के देखते हैं। किसी भी जगह पे यहाँ पे पेंट उखड़ा हुआ है इस पाइप के साथ, ये भी कंप्रेसर के साथ अटैच है पाइप। फ्रिज के कंप्रेसर की वायर इस वक्त बॉडी के साथ टच नहीं हो रही, कंप्रेसर इस वक्त शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, शोर हो गया हुआ है। जब हम इसे टच करते हैं तो वो हमें अर्थ लगता है। तो फ्रेंड्स, तीसरी और सबसे बड़ी वजह फ्रिज के साथ अर्थ का ना लगना है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम फ्रिज को हाथ लगाते हैं, अगर हमारा जूता गीला है या बिल्कुल नहीं पहना हुआ हमने जूता, तो हम समझ लें कि जमीन के साथ फ्रिज की बॉडी को करंट दे रहे हैं, लाइक एक वायर का काम करते हैं। हमारी बॉडी बल्ब के एलिमेंट के तौर पे काम करती है, जिसकी वजह से हमें शॉर्ट लगता है। समटाइम ज्यादा झटका भी वो दे सकता है, समटाइम नॉर्मल झुंझुनाहट सी होती है, दोनों सूरतों में ही वो खतरनाक होती है। अभी हम उसका एक सोल्यूशन निकाल देते हैं, उसके बाद हमें करंट नहीं लगा करेगा। फ्रेंड्स, हमें एक अदद सिल्वर की वायर चाहिए, जिससे हम इसकी अर्थिंग करने वाले हैं। अगर आपको सिल्वर की वायर नहीं मिलती किसी भी वजह से, तो आपको घर में से कोई केबल की वायर मिल जाएगी। केबल की वायर हम इसलिए यूज करेंगे कि इसके ऊपर वाले हिस्से में भी सिल्वर वायर होती है। हमने सिल्वर की वायर दोनों तरफ से छील लेनी है। फ्रिज की कोई ऐसी जगह तलाश करनी जहां पे पेंट नहीं लगा हो, उस जगह पे इसको हमने अटैच करना है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिलती, तो सबसे अच्छी वाली जगह फ्रिज का कोई इस तरह का कोई पेच होता है, और बेसिकली यही पेच सबसे बेहतर है, जो यही सबसे नज़दीक भी पड़ेगा, जो इसके कंडेंसर के साथ लगा होता है। हम इसे थोड़ा सा लूज कर लेंगे और इस वायर को इस तरह दो साइडों पे अलग अलग करके तो इसके अंदर लगा देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, इसके दूसरे वाले हिस्से को हमने जमीन के साथ अटैच करना है। हमें सिंपल ये करना है कि इस फ्रिज को यहाँ से थोड़ा सा इस तरह उठा के और इस वायर के छीले हुए हिस्से को फ्रिज के इस पाए के नीचे दे देना है, ताकि हमारा फ्रिज अर्थ हो जाए। हमने फ्रिज को जमीन के साथ अटैच कर दिया है, अब हमारी बॉडी वायर का काम नहीं करेगी, वो वायर हमने इसे ऑलरेडी लगा दी हुई है। 90% आपको अब फ्रिज से करंट या वो अर्थ नहीं लगेगा जो पहले लगता था। ये काम करने के बावजूद आपको फिर भी अर्थ लगता है, फिर भी करंट लगता है, फिर हमें इसी वायर को जमीन में कोई कील ठोंक के उसके साथ अटैच कर देना है।
और अगर आपका मार्बल टाइल पत्थर लगा हुआ है और आप कील नहीं लगा सकते, तो ड्रिल से सुराख करके उसके बाद उसमें कील लगा सकते हैं। जिससे ये फ्रिज जमीन के साथ अटैच हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। चूंकि जमीन इंसानी जिस्म से कहीं ज्यादा बेहतर कंडक्टर है, इसलिए अर्थ लगाने के बाद हम हाथ लगा भी दें तो हमें करंट नहीं लगेगा। आप इसे टेस्टर लगा के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन टेस्टर में अगर ये अर्थ होता है तो टेस्टर में बिल्कुल माइनर सी लाइट जलती है। इस वक्त इसकी बिल्कुल भी लाइट नहीं जल रही। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, हमने एक वायर के, एक तार के टुकड़े को लेके हमने अपने फ्रिज की अर्थ लीकेज को कंट्रोल किया। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज फ्रिज के इस बहुत बड़े मसले का हल मिल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।